कोतवाली में जूना तालाब में महिला कांग्रेस नेत्री के पति की लाश तैरती नजर आई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। मौत की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि नैला चौकी के बगीचा पारा वार्ड नंबर 5 में रहने वाले शहजादा अली की लाश नैला के जूना तालाब में मिली। शहजादा अली की पत्नी मुस्कान परवीन प्रदेश महिला कांग्रेस सचिव है और जानकारी के मुताबिक शहजादा अली नशे का आदी था। रात करीब 10 बजे घर से वो निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। जब परिवार के लोगों ने आसपास पता लगाया तो शहजादा अली का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो महिला कांग्रेस नेत्री जिनके पति का शव तालाब में तैरता मिला, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। महिला कांग्रेसी नेत्री जिनके पति का शव मिले से पूरे इलाके में हड़कंप फैला है, क्योंकि मौत की वजह क्या है ये समझ अभी पुलिस की नहीं आ रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच हालांकि कर रही है, पूछताछ भी कर रही है, लेकिन शुरुआती जांच में अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस मौत के पीछे वजह क्या रही। क्या ये आत्महत्या का मामला है या फिर हत्या का मामला है।